करणी सेना और हिंदू जागरण मंच ने जलाए उद्धव ठाकरे और संजय राउत के चित्र। फिरोजाबाद क्लब चौराहे पर करणी सेना महिला शक्ति पदाधिकारी भी विरोध में हुए एकजुट। कंगना रनौत के समर्थन में जूतों से चित्रों को गया पीटा। मुर्दाबाद के लगाए गए नारे फिरोजाबाद। आज फिरोजाबाद क्लब चौराहे पर करणी सेना और हिंदू जागरण मंच द्वारा संयुक्त रूप से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और संजय राउत के चित्रों को विरोध प्रदर्शन करते हुए जलाया गया। वहीं जूतों से चित्रों की पिटाई की गई। इस दौरान करणी सेना महिला शक्ति से भी कई महिला पदाधिकारी भी मौजूद रहीं। करणी सेना महिला शक्ति की पदाधिकारी कुंती राधौन ने कहा कि कंगना रनौत के समर्थन में आज शिवसेना का पुतला फूंका गया है। नारी के अपमान करने वालों को कभी हम लोग नहीं बख्शेंगे, इसलिए यह विरोध प्रदर्शन किया गया है। वहीं हिंदू जागरण मंच के संपर्क प्रमुख पवन जाधवन ने कहा कि आज एक नारी के सम्मान में विरोध प्रदर्शन किया गया है। एक वीरांगना ने बॉलीवुड में हो रहे अत्याचार को सामने लाने को जब आगे कदम बढ़ाया तो उद्धव ठाकरे ने जो अमर्यादित व्यवहार नारी के साथ किया, घृणित कार्य किया, उनका बंगला वहाँ टूटा है। कल उद्धव ठाकरे का घमंड भी टूटेगा। हम सब कंगना रनौत के साथ हैं। उद्धव ठाकरे व संजय राउत कंगना जी से माफी मांगे। जी आप लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है, क्या कारण रहा है? मैं सुहाग नगरी फिरोजाबाद से कुंती चौहान जादौन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला शक्ति करणी सेना से। हम लोगों ने आज कंगना जी के समर्थन में ये संजय राउत का और ये शिवसेना का पुतला फूंका है और हम लोग ये चाहते हैं कि मतलब नारी के लिए जो ऐसे अपशब्द बोल रहे हैं उसको हम लोग कभी नहीं बख्शेंगे और भारतीय करणी सेना हमेशा कंगना जी के साथ है और रहेगी। जी आप लोगों ने आज विरोध प्रदर्शन किया है, क्या कारण रहा है? आज ये विरोध प्रदर्शन एक नारी के सम्मान में किया गया है कि एक वीरांगना ने बॉलीवुड में हो रहे अत्याचार और दुर्व्यवहार को सत्यता को सामने रखने के लिए जब ये काम किया तो उद्धव ठाकरे और शिवसेना सरकार ने उनके विरोध में उनके साथ जो दुराचार अत्याचार करने की कोशिश की गई है उसका विरोध करते हुए हम एक नारी के सम्मान में हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं जिसमें संजय राउत और उद्धव ठाकरे का उन्हें पुतला दहन किया है और उनको सबक सिखाने का काम करने की कोशिश की गई है। केंद्र सरकार ने जेड प्लस सिक्योरिटी दी है, क्या मानते हैं इसको सरकार का और कंगना राउत का? नहीं, सरकार ने ये बेहद ही निंदनीय अपराध किया है और एक मैं ये कहूँगा घृणित कार्य किया है जानबूझ के किसी एक महिला को एक टारगेट करने की कोशिश की है जबकि उन्होंने तो सत्यता और ईमानदारी का पक्ष रखते हुए अपना बयान दिया था लेकिन उन्होंने उसको एक एक पर्टिकुलर पार्टी मानते हुए उनके ऊपर एक आपराधिक कार्रवाई करने की कोशिश की गई है जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और कड़ी उसके लिए हम चेतावनी देते हैं कि वो उद्धव ठाकरे और संजय राउत कंगना जी से माफ़ी मांगे और उन पर लगाए हुए आरोपों को पीछे करें नहीं तो हम उनके साथ उनके समर्थन में हर समय तैयार रहेंगे और उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने के लिए हर समय उनके आगे विपरीत खड़े रहेंगे। जिस तरीके से उन्होंने उनके घर को और ऑफिस को तोड़ने की कोशिश की गई है हम संजय रावत को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि आज तुमने उनका घर तोड़ा है इसी प्रकार कल तुम्हारा घमंड टूटेगा और ये घमंड चूर चूर रहेगा। आज ये सत्ता के मन में इतने चूर हो चुके हैं कि ये किसी भी नारी और उसका सम्मान करना नहीं चाहते, किसी भी नारी का सम्मान नहीं जानते, इसके लिए हम उनकी घोर निंदा कर रहे हैं।